भैया हम यूपी बिहार वाले से हाथ जोड़ के कहते हैं कि लुधियाना, पंजाब, केरला, मुंबई, चेन्नई, सूरत, गुजरात, जहाँ से भी जाने के लिए घरे क्यों परेशान हो। घरे जाओगे क्या नीतीश जी, वहाँ पे पीएमसीएच पटना में क्या चीन से और अमेरिका से डॉक्टर मंगा के रखा है कि जाने के लिए परेशान हो। अरे यहाँ तो थोड़ा सुरक्षित हो, रूम में रह रहे हो, घरे जाओगे, बच्चा को चुमा लोगे, गोदी लेगे, माँ बाप को बोल लगेगे, औरत तो मिलोगे, सबसे मिलोगे, दोस्त लोग से हाथ मिलाओगे, तो क्या आओ बीमारी बांटोगे ना? क्या बिहार में जाके करोगे? कल देखिए मेरा रूम कबाजू वालन भी और लड़कन भी ट्रक से निकला, जा करके राजस्थान छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर फंसा हुआ है, वहाँ जंगिया लुंगी गंजी चड्डी सब दिया, रूम भी दिया रहने के लिए, खाना भी मिल रहा है, लेकिन जाने नहीं दे रहा है, बोल रहा है 14 तारीख पार हो जाएगा तो बस से अपना अपनी घर सबको छोड़ा जाएगा। इसीलिए कर रहे हैं जहाँ वह रहिए शांति से अच्छा से, अरे यहाँ हो तो ये वो मरेंगे, अरे हम लोग के धरे गए तो एक ही को नहीं मरेंगे, पूरा परिवार तो बचेगा ना, और घर में रहेगा ये वो के पकड़ेगा तो माँ बाप जरूर सटेगा, बीवी बच्चा जरूर सटेगा, अपना परिवार को, अपना पति को, अपना बच्चा को क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, मेरे भाई के पकड़ लेगा, मेरा बाप के पकड़ लेगा, मेरा माँ के पकड़ लेगा, हम तो सटेंगे ही, क्यों? मेरा पास दया है, मेरा पकड़ लेगा, मेरा माँ बाप भाई तो सटेगा ही, तो बांटेगा ना बीमारी। अरे 14 तारीख तक आशा देखो ना, 14 तारीख के बाद मोदी जी क्या करेगा नहीं करेगा उसके बाद देखा जाएगा। अरे गरीब के तो कहीं वैल्यू नहीं, जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ खंजड़ी का क्या मोल। देखो मोदी जी चीन से, अमेरिका से, इटली से, जापान से सबसे मंगा लिया है इंडिया के आदमी की, यहाँ इलाज चल रहा है, तो क्या विदेशी आदमी को इंडिया में इलाज चल रहा है तो क्या इंडिया के आदमी विदेश में था उसको इलाज विदेश में नहीं होता? हम वहाँ के रोग फैलाया नहीं गया है, हम लोग मुंबई, केरला, चेन्नई, लुधियाना, पंजाब में फंस रहे, मर रहे, भूखा डौरा मर रहे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गरीब का कोई मोल नहीं भैया। कल देखिए हम लोग का बगल वाला भी जा रहा था, पुलिस वाला मार को घुमा दिया, फोकट का 2-4 डंडा मार खा जाओगे, कोई सुनवाई नहीं है। ये घड़ी का समय में एक ही उपाय है कि 14 तारीख तक अपना घर में रह के, अपना रूम में रह के अपना सुरक्षा देखो, 14 तारीख के बाद क्या करवाए होगा फिर देखा जाएगा। अरे ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, फिर कोई दिमाग लगाएगा आदमी, पैदल कितना जाओगे, दिल्ली, मुंबई, चेरला, कलई, अरे तो दिल्ली वाला निकल गया सब, यूपी भीरी था, योगी सरकार ने बहुत सुरक्षा किया, 1000 बस छोड़ा, कुछ आदमी की तो व्यवस्था किया, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किया, मेरा नीतीश कुमार बुढ़वा क्या करेगा? कुछ बोल रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा है, बिहार में जाओगे मर जाओगे। अभी के डेट में फतेहपुर में हॉस्पिटल गया, जिला फतेहपुर प्रखंड में फतेहपुर हॉस्पिटल में जब चेक कराने के लिए गया तो सिर्फ बोल रहा है, मोहर मार के छोड़ रहा है, बोल रहा है मशीन नहीं है, जाओ यार कितना दिमाग मत खराब करो, 1000 आदमी पर डे आता कितना बात करेगी, सोचो उसका नौकरी मिल रहा है, नौकरी है उसका, जो उसको दिमाग खराब हो रहा है, हम लोग जो रूम में बैठ के खा रहे हैं, रुपया पास में नहीं, मर रहे हैं, कंपनी बंद हो गया, राशन का ठिकाना नहीं, हम लोग का टेंशन नहीं है दिमाग में? तो इसीलिए भैया बोल रहे हैं कोई अपना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी कुछ नहीं करेगा, उसको तो अब की कितना दिमाग लगाता है देखिए नीतीश जी, नहीं कहीं से कुछ बना तो अब की इलेक्शन आने के टाइम में रिजल्ट दिया 90%, वाह है वाह, थोड़ा बहुत जान रहा है इसे 3rd डिवीजन, थोड़ा और जान रहा है इसे 2nd डिवीजन, थोड़ा और जान रहा है इसे 3rd डिवीजन, जो पढ़ रहा है इसे वैसी है, नहीं पढ़ रहा है 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन, ये रिजल्ट दिमाग कितना लगाता है। अभी नीतीश जी का सूप मिलेगा, सूप से औज के नीतीश जी जैसा कर रहा है, यूपी बिहार वाला बाहर में मर रहा है, अरे दिल्ली में सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे रहा है खाना दवा रहा है यूपी में योगी, लेकिन आप गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई, केरला इस समय कुछ नहीं मिल रहा। भैया हाथ जोड़ के आप लोग के बोलते हैं घर जाइएगा, बीमारी बांटिएगा, 14 तारीख तक घरे रहिए, 14 तारीख बाद जो मन में आएगा से करेगा, आगे आप लोग के बात कुछ नहीं बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।